ਉਂਝ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਦੂੰ ਅਜੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੋਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭੀ ਫਰੈਂਡਸ SSC 10 plus 2 CHSL ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न और किस पोस्ट के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कितनी इसमें एज रहेगी कितनी आपको इसमें छूट मिलने वाली है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स अगर हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहाँ से आकर ये सभी डिटेल चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ यानी कि इसकी ओर से भर्ती चल रही है जिसमें टोटल पोस्ट तो अभी तक इन्होंने पोस्ट नहीं बताया है कि कितनी इसमें वैकेंसी आई हुई है लेकिन जो वैकेंसी रहेगी लगभग 5000 के आसपास में वैकेंसी रहने वाली है। जो पोस्ट नेम है तो LDC पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट और DO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की इसमें वैकेंसी आई हुई है। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले अधिक जानकारी के लिए आपको सबसे पहले इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर नहीं आना चाहते तो आप कहीं से भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर नहीं आना चाहते तो वीडियो के एंड में मैं आपको गूगल के तरीके से भी बता दूँ किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अब से पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है कि आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है यानी कि SSC 10 plus 2 का ऑनलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई वाले कॉलम से आप यहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हमें करना है अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड, तो इसके लिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। अब देखें फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया नोटिस, यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 यानी कि जो ये वैकेंसी आने वाली थी 2018 में आनी थी लेकिन ये पोस्टपोन करके अब आई हुई है। ठीक है जिसकी स्टार्टिंग डेट है यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है 5/3/2019 से, जो लास्ट डेट रहेगी 5/4/2019 की रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स अब इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आने के बाद यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया, आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स इसमें फुल डिटेल में आपको मिलेगा। अब देखें फ्रेंड्स यहाँ पर जो उसका पे स्केल रहेगा यानी कि जो सैलरी रहेगी सभी पोस्टों के लिए अलग अलग दर्शाई गई है। LDC के लिए 5200 से लेकर 20200 रहेगी और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको पोस्टल असिस्टेंट के भी इतनी ही रहेगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर इसमें यही रहेगी। ठीक है आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, इसमें फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी है वैकेंसी के बारे में बताया कि बहुत जल्दी यहाँ पर डिक्लेयर कर दें कितनी वैकेंसी आने वाली है लेकिन 5000 के आसपास इसमें वैकेंसी रहने वाली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसमें नीचे थोड़ा डाउन आना है, आने के बाद यहाँ पर भी इन्होंने वैकेंसी के बारे में ही बताया हुआ है। अब इसमें आपको नीचे आ जाना है, देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 5 नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कौन कौन कैंडिडेट्स में अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर आप अगर आप इंडिया से है तो अप्लाई कर पाएंगे, नेपाल और भूटान से भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स अब इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है, यहाँ पर 6 नंबर पर मिलेगा आपको एज लिमिट यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 ईयर से लेकर अगर आप 27 ईयर के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है अब देखें यहाँ पर जो एज काउंट की जाएगी 1/8/2019 यानी कि आपकी जो एज है 1/8/2019 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी बताई है यानी कि 2/8/2092 से लेकर 1/8/2001 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स अब देखें यहाँ पर जो इसमें एज में आपको छूट दी जाएगी, यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी यानी कि जो इसमें 27 ईयर एज मांगी गई है। ठीक है इसमें आप 5 काउंट कर लीजिए यानी कि 5 ऐड कर लीजिए तो इसमें 32 ईयर्स SC ST वालों के लिए ली जाएगी। ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पर 3 ईयर की दी जा रही है छूट OBC के लिए तो इसमें 3 ईयर ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 30 अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर PWD के लिए जो छूट मिलेगी वो 10 ईयर की मिलेगी, यहाँ अगर आप OBC से हैं PWD कैंडिडेट है तो आपको 13 ईयर की छूट मिलेगी, अगर आप SC ST कैंडिडेट है और PWD से है तो आपको यहाँ पर 15 ईयर की छूट भी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आपको एक बार चेक कर लेना है, अब इसमें आपको नीचे थोड़ा सा डाउन आ जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको आ जाना है 9 नंबर पर, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर जो सभी के लिए जो रहेगी यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर JSA PA SA DO के लिए जिसमें योग्यता रहेगी वो 12वीं पास रहेगी यानी कि अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं में मैथ होना अनिवार्य यानी कि PCM से है तो आप इसमें अप्लाई
कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर बताया हाउ टू अप्लाई, आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का उन्होंने लिंक भी दिया गया है, आप इसके माध्यम से भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसमें एप्लीकेशन फीस रहेगा वो 11 नंबर पर मिलेगा आपको डिटेल। यहाँ पर आपको यहाँ पर 100 रुपये पे करना होगा जनरल और ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, और जो आप ये फीस है वो यूपीआई भीम सभी से पे लगभग कर पाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन माध्यम है उसके यहाँ पर बताया कब से आप इसमें इसकी जो ऑनलाइन फीस है वो यहाँ पर कर पाएंगे। अब इसमें आपको नीचे आ जाना जो एग्जाम सेंटर रहेंगे आपके, यानी कि आप अपना एग्जाम कहाँ पर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल जो रीजन रहेगा यानी कि सीआर जो रहेगा, ठीक है फ्रेंड, यह बिहार और उत्तर प्रदेश में रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लेना। इसमें लखनऊ मिलेगा, मेरठ मिलेगा, वाराणसी मिलेगा, मुरादाबाद मिलेगा, इलाहाबाद मिलेगा, इस प्रकार से यहाँ पर चेक कर लेना। और इस जो रीजन की वेबसाइट है यहाँ पर इन्होंने ये भी बताई गई है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो कलकत्ता और केरला जोन रहेगा यानी केकेआर जोन रहेगा, इसमें भी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेंटर रहेंगे, आपको जो भी आपको नज़दीक हो वहीं पर आप फिल कर लेना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स, आपको उसमें थोड़ा नीचे डाउन आना है। यहाँ पर इन्होंने बताया एग्जाम के बारे में, यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये चेक कर लेनी है। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर जिसमें टायर वन रहेगा यानी कि जिसमें एग्जाम आपके दो एग्जाम होने वाली, यानी कि स्टेज 3 रहेगी, 2 एग्जाम होंगे और एक आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है, जो आपका टायर 1 रहेगा इसमें जो आपको एग्जाम डेट दी हुई है, एग्जाम डेट जो रहेगी 1/7/2019 से लेकर के 20/7/2019 के बीच में आपके ऑनलाइन एग्जाम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो एग्जाम डेट रहेगी 1/7 से लेकर और 26/7 के बीच में आपके ऑनलाइन एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जिसमें सब्जेक्ट रहेगा यानी कि पार्ट आप इसमें कितने आएंगे, तो पार्ट आएंगे भाई साहब इसमें चार पार्ट आएंगे। ठीक है, अब जिसमें सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले आएगी इंग्लिश, कि यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस जो के रहेंगे इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा उसमें इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये 50 अंक के रहेंगे। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जो टोटल मार्क रहेंगे 50 मार्क इसमें रहेंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन होंगे सभी से भी के, और इसमें जो टोटल मार्क रहेंगे आपके, ये टोटल जो मार्क होंगे यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, 200 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन रहेगा यानी कि जो आपको समय अवधि मिलेगी, तो जो आपका 1 आवर यानी कि 60 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सभी पार्ट कंप्लीट करने होंगे, यानी कि आपका जो समय रहेगा 1 घंटा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.5 की। आपको इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है। नीचे डाउन में आपको यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो यहाँ पर टॉपिक आएंगे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस है आपको यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ पर भी इन्होंने सब्जेक्ट बताए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है, इसमें आपको सभी के बारे में बताया हुआ है। जनरल अवेयरनेस जो यहाँ पर रहेगा, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर भी इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें यहाँ पर जो टायर 2 होगा वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो ये ऑनलाइन इसमें आपका एग्जाम रहेगा ये पेन से करना होगा, यानी कि हाथ से आपको इसमें लिखना है, एक एससे आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया कि एससे आएगा एक, वो आपको 200 से लेकर के 250 वर्ड के बीच में लिखना है। ठीक है, उसमें भी आपको 33 नंबर कम से कम लाना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये वही कैंडिडेट करेंगे जो पहला टायर कंप्लीट करके आएगा, उसका सेकंड रहेगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर 100 मार्क का रहेगा, इसमें 100 में से 33 लाना अनिवार्य है, और यहाँ पर 200 से 50 वर्ड में आपको एक एससे लिखना होगा। वहाँ पर टॉपिक वहीं पर भी आपको बता दिए गए कि भाई इस टॉपिक पर आपको एससे लिखना है, उसको बोल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है। जो आपका थर्ड रहेगा, थर्ड में आपका स्किल टेस्ट यानी कि आपकी टाइपिंग रहेगी। टाइपिंग में यहाँ पर आपको सिंपल है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी बताया हुआ है, और यहाँ पर जो LDC है उसके लिए भी यहाँ पर बताया हुआ है। जो LDC में यहाँ पर इन्होंने बताया 30 रहेगी हिंदी में, और यहाँ पर जो अगर आप करना चाहे 35 WPM तो ये यहाँ पर इंग्लिश में आपको करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 30 और 35 यहाँ पर स्पीड आपकी होनी चाहिए WPM। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। और एक बार आपको रीड कर लेना है और वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करके बताया फुल डिटेल के साथ, आपको अच्छे से आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन जब डॉक्यूमेंट होगा तो कौन कौन से आपको यहाँ पर ले जाना होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आईडी ले जाना अनिवार्य है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास कुछ भी है तो यहाँ पर इसमें से एक ले जाना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट है वो भी ले जानी होगी, और यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो 12वीं की मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पर ले जानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने इसमें इसी के बारे में बताया, कार्ड सर्टिफिकेट ले जाना है वो उसी के बारे में बताया। अब मैं अलग से वीडियो एक बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना चाहिए, तो यार प्लीज़ कर दीजिए। जय हिंद,
वंदे मातरम।